बेगूसराय में अपने पड़ोसियों को 13 धुर जमीन नहीं लिखना एक रिटायर्ड कर्मी को उस वक्त महंगा पड़ गया जब पड़ोसियों ने उस शख्स को STSC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर फंसा दिया। इस संबंध में पीड़ित परिवार खुद को बेकसूर बताते हुए SP से न्याय की गुहार लगाई है। अपने लिखित आवेदन में सच्चिदानंद लाल की पत्नी आभा देवी ने बताया कि पूंजीपति की उम्र 73 वर्ष है और वह एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। उनका एक पुत्र झारखंड में चिकित्सक पदाधिकारी है तो दूसरा पुत्र पटना में कृषि विभाग में कार्यरत है। अपने आवेदन में आभा देवी ने बताया कि उनके घर पर सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं। उनका एक पड़ोसी है जो तेघड़ा थाना में चौकीदार है तो दूसरा कोर्ट में मुंशी का काम करता है। इन लोगों ने पिछले 30 वर्षों से मेरे 13 धुर और 9 धुर की जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है। पैमाइश के भाग में जब जमीन उनकी निकली तो जिसके बाद रविंद्र पासवान और चौकीदार भगलू पासवान उस जमीन को लिखने की जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं। इस सिलसिले में दोनों लोगों के परिवार के द्वारा उनके और उनके पति पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके मुकदमा भगवानपुर थाना में दर्ज है। उन लोगों के द्वारा लगातार उन्हें और उनके पत्नी को जान से मारने की कोशिश में लगे हुए। अपनी सुरक्षा के लिए उन लोगों ने अपने घर के बाहर CCTV कैमरा लगवाया है जो पड़ोसियों को नगवार गुजर रहा है, इसीलिए वह लोग अब लगातार कैमरे को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इन लोगों के द्वारा तेघड़ा थाना में झूठा SC ST का मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि आरोपी सभी लोग बहुसंख्यक हैं, जबकि वह मोहल्ले के इकलौती बनिया परिवार से आते हैं, लगातार झूठा मुकदमा और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि थाना में चौकीदार का काम करने वाले भगलू पासवान वर्दी का रौब दिखाकर और पुलिस अधिकारियों के जान पहचान का फायदा उठाकर हम लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं। भगवानपुर थाना से बंधारा गाँव से है, हमारे पड़ोसी हैं रविंद्र पासवान, वो हम लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट केस किए हुए हैं। हम गांव में CSP चलाते हैं तीनों बैंक का, और वो लोग तंग तवा करते हैं, खुलेआम ईटा रोड़ा पत्थर चलाते हैं, मारपीट करने के उतारू हो जाते हैं। उन लोगों के लड़का के साथ लगभग 5-10 लड़का लोगों का ग्रुप चलता है, फिरौती मांगने की कोशिश करता है, और उसमें शामिल है अरविंद कुमार, संजीव कुमार जो कि हमारे पड़ोसी हैं, वो लोग भी उसमें शामिल है। गलत धंधा करता है, मारपीट करता है हम लोगों के साथ, और हरिजन एक्ट केस किए हुए हैं। और हरिजन एक्ट मेरे बाबूजी जो कि 75 बरस के हैं, मेरे चाचा जी वो भी 74 बरस के हैं, मेरी चाची है, मेरा छोटा भतीजा 10 साल का है, वो मेरे भैया हैं जो कि सर्विस में बाहर रहते हैं, ये लोग सब बाहर रहते हैं, उस पर केस किए हुए हैं। क्या कारण क्या है? क्या कारण? कुछ नहीं है, मेरे सामने एक इकट्ठा का जमीन है जो कि आरी उसका भी पड़ता है, वो बार बार आरी काटते काटते हम लोगों में प्रवेश करा और बोलता है इसको तुम छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ यही हाल हम करते रहेंगे। और बार बार क्या करता है, एक ही थाना से बार बार केस करता है वो, तेहरा थाना से, क्योंकि वकील पासवान तेहरा थाना में चौकीदार हैं, और रविंद्र पासवान पत्नी चंद्रकला देवी वो हॉस्पिटल मैनेज करती हैं, और रविंद्र पासवान अपने जो हैं वो मुंशी हैं तेहरा ब्लॉक में, ये तीनों आदमी तीनों जगह से मैनेज कर लेते हैं और हम लोग को तंग दबा करते हैं और बार बार केस करते हैं। बनाड़ा गाँव में बहुत लोगों पर केस किया गया है, अजय राय पे किया गया, मुकेश पासवान पे किया गया है, सब पर हरिजन एक्ट, सब पे एक ही थाना से हरिजन जाति का लेकर वो फायदा उठा, बिल्कुल फायदा उठा रहा, और वो कंप्रोमाइज करने की बात होती है तो समाज से भी पैसा ले लेता है, ठीक है, और ये सरकारी लाभ जो थाना से मिलता है या कोर्ट से मिलता है उसका भी फायदा लेता है वो। SP ऑफिस में आवेदन दिया है? जी बिल्कुल, हम SP ऑफिस में आवेदन दिए हैं रविंदर पासवान के खिलाफ, और संजीव कुमार, अरविंद कुमार जो कि हमारे पड़ोसी हैं वो लोग भी उसमें शामिल है, और उनके द्वारा भी केस कराया जा रहा है। देखने वो लोग बहुत कमजोर हैं, लेकिन वो अंदर अंदर पूरा सबसे मिल करके वो केस करता है, साइकिल से कभी भगवानपुर थाना में केस करता है, कभी तेहरा थाना में केस करता है, कभी SP ऑफिस आता है। हम लोग सोचते हैं चलो भाई गोतिया है संजीव अरविंद तो छोड़ दिया जाए सबको, हम सब कोई मतलब नहीं, जबकि हम CSP चलाते हैं, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, हम अपने काम से मतलब रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, स्टूडेंट लाइफ में अभी हैं, और ये लोग हमको तंग तबाह करता, मेरी करियर बर्बाद करना चाहता है, बार बार भय दिखाता है, मारने की कोशिश करता है। SP साहब क्या बोले? SP साहब बोले जो एप्लीकेशन दिए हम इस पे कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत है बाबा? हम 28 साल बाद हम बनहरा गए, वहाँ घर मकान में ढक गया था, उसको ठीक ठाक करा करके हम वहाँ रहना चाहे, और एक हमारा छोटा लड़का है जो कि वहाँ से खोले हुआ है,
और वो क्या क्या उसके उसके बगल में और मेरे घर के आगे में एक कट्ठा ज़मीन लिए थे हम साग सब्जी लगाने के लिए, उसमें थोड़ा पेड़ पौधा भी लगा दिए नहीं रहने के वजह से। वो क्या कर किया जो पेड़ पौधा भी हमारा आड़ी से काट लिया, ज़मीन भी काट लिया है, है? और उसके बाद जो है तो दरवाज़ा के सामने सामने वो आड़ी पर आकर के पेशाब खड़े खड़े पेशाब करता है ना। तो अभी कहाँ आए आप? दूसरी बात, वो हम लोगों के ऊपर हर दिन एक्ट किए हुआ है, जबकि हम चेकरा में रहते हैं, मनहारा में बहुत कम रहते हैं। मनहारा में हमारी पत्नी और हमारा बेटा, छोटा बेटा रहता है मात्र, इसके ऊपर भी जो धमकी मिलता है उसका अवैध आदमी उसके साथ में उसके संगत में भी है। तो अभी कहाँ आए हैं आप? हम आए थे अभी एसपी साहब के यहाँ आवेदन लेकर। जी, तो एसपी साहब को आवेदन दिया आपने? दे दिए। क्या बोले एसपी साहब? बोले हम देख लें। इससे पहले भी दिए थे? नहीं, इनके यहाँ तो नहीं दिए थे, थाना में दिए थे। अच्छा, जो आप पर केस किया है वो कहाँ कराने वाला? मनहारा का है। मनहारा का है, चकरा थाना का। किस बात को लेकर केस किया था? हरिजन एक्ट लगा दिया हमारे पास। अच्छा, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 75 साल। 75 साल। घर मनहारा हुआ और चकरा भी है। क्या मांग करते हैं? तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं शांति से हम दिए, हमको शांति से रहने दिया जाए, हम झंझट में नहीं रहना चाहते हैं। अब बूढ़ा हो गए हम, इतना उम्र हो गया, अब हम लड़ा झगड़ा करने के लिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? कार्तिक लाल। कितना उम्र है आपका? 75 साल। घर? बनहारा। क्या दिक्कत हुआ? की दिक्कत अहाँ को? हरिजन वाला केस कर देखिन हन, हमारा बाल बच्चा कोई रहे नहीं, दोनों के की रहे। के केस कर दल? रविंदर है, वकील साहब, वकील पासमा। कहाँ घर है आपका? बनहारा। किस चीज को लेकर केस किया है? हमार जमीनों हर पले ठीक है, वह मारपीट कर रहे ठीक है, जो ठीक है घर से गाना चले तब भागे के लिए गाना उपाय लगेले। हमार जमीनों हर पले कहियो गाना तो उब लगेले ठीक है, मारपीट करे है जो कि केना जाए यहाँ से भाग जाए। अभी कहाँ एलिए हम? अभी एलिए मिलिए भेंट के लिए। की कहल का एस पी साहब? देख लेंगे। कितने दिन पहले केस होले? केस कहिया होले पता है क्या? 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गए। तो यहाँ के साथ खाली केस होले ना, यहाँ पर केस होले खाली? पति पर होले। छोटा गाय वो छोटा ही के गाना पटना पर ही के ओकरो नाम दे दे। अच्छा, तो जे केस कल का है? हम दोनों बेटा बाहर में रहे थे के यहां गांव में रहबो नहीं करे थे, ओकरो नाम दे दे। तो जो केस किया है उनका घर कहां है? ओकरो घर बनारे। गांव का ही है? आज पहली बार एसपी के यहाँ आए हैं कि पहले भी आवेदन दिए थे? क्या दाने है तो क्या क्या चाहते हैं आप? हमें चाहिए कि हमारा गन्ना अन्याय गन्ना फैसला कर देखिन, अन्याय देखिन गन जबकि कहे हमारा चैन से जिंदगी रह गई। अच्छा, तो केस किया है वो क्या कहता है? जमीन कहते हमको लिख दो नहीं तो घर से भागो। हम घर से भगाएंगे इसको, हम गांव से भगाएंगे। क्या नाम है आपका? अभा देवी। घर? घर बनारा। क्या नंबर वार्ड? अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन,
पता DDC आवास के पीछे नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट